जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज अ लोन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे। और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री और वो काम करेंगे या अपनी फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। और जो अच्छा जी, एक्चुअली इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि हम लोग क्या करते हैं, आप रमजान शरीफ की देख लें, आप गल्फ कंट्रीज में देख लें, वो अभी रिलीफ है, तो हमारे मुल्क में देख लें, हमारा है भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मैं ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ कि 43% महंगाई बढ़ी है इस हफ्ते में, रमजान का जो पहला वीक है इसमें 43% पाकिस्तान में महंगाई। तो वो स्पीचेस में वही बात रहेगी, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में, इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेड़ नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेड़ तो वो बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेड़ पाड़ के अपना पेड़ पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता था यार, ऐसी दुनिया तो 50 साल पीछे ही है। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम अज कम 25-30 साल पीछे हैं। उन्होंने अपने वो कौमी हीरो हैं जो अब्दुल कलाम आजाद साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया हमारी नेशन ने, जो कौमी हीरोज हैं उनको हमने खुद ही बिल्कुल वो मोराल नहीं दिया, जो उनका गार्ड ऑफ ऑनर है वो नहीं दिया। यूके में रहे, मुझे ये बताएं कि वहां पे आप जो इंडियंस के साथ रहे, एक दो के नाम शायद आपको वो सुन रहे हो, मैं एक तो उमेश और एक राकेश साहब थे, और ये दो मेरे साथ है, और एक थे नितिन जो मेरे साथ फ्लैटमेट थे, हॉस्टल में रहते थे मेरे। पीआईए के बात करें, वो हमारा 1951 में वो पाकिस्तान का ही था पहले, इंडिया तब कहाँ था। बिल्कुल, अगर पीआईए की मिसाइल्स देखें, हमारा डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन आर्मी है। ISI भी यही बात करती है कि पाकिस्तान आर्मी हो तो हम पूरी वर्ल्ड पे टेक ओवर कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी है तो अभी वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है ना, हमारा वार सिस्टम भी है। अब अमेरिका कहता है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है वाकई अमेरिका को हमारी आर्मी की, अगर इसराइल की बात करें, वो आयरन डोम सिस्टम था ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया था, लेकिन वो इराक ने मिसाइल दागे, दाश ने मिसाइल दागे, वो तबाह कर दिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है, स्पेस रॉकेट, जो कि 36 सैटेलाइट कैरी करता है, और इसके अलावा उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं, हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है, क्या हमें दूसरी चीज़ों में जो कंपटीशन का बताया जाता है, स्पोर्ट्स में कंपटीशन का, बॉर्डर में, डिफेंस में बताया जाता है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से हम कितना पीछे हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इंडिया से, इन चीज़ों पर पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आसिम खलील। आपका नाम? खुर्रम खान। भाई आप आई थिंक पहले भी हमारे साथ किसी टॉपिक पे बात कर चुके हैं। जी जी। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं, कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे बच्चे से पूछ ले वो क्या हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीजों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, है वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1,000 करोड़ कमाया है, सैटेलाइट उन्होंने जो है उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी, और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके, ख्वाहिश तो हमारी ही है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयां झगड़े, आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा,
हमें एक हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही, तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं, है पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेट का इंसान को था, वो हमारा पेट नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेट तो वो हम बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेट पाड़ गया, पेट पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें हमें मादर के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार ऐसी दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं, हकीकत वाली बात है दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम अज कम 25-30 साल पीछे हैं। ठीक है उनकी जी उनका देखें ना वहाँ करप्शन या बुरे हालात हर कंट्री में होते हैं। तो ये हमेशा कहता हूँ कि इंडिया हो यूके हो, अभी है भाई आप कौन से कंट्री में आपने बताया? मैं यूके में होता हूँ। यूके में होते हैं, वहाँ पे क्या मुश्किलात नहीं है, इशू नहीं है? सर इश्यूज हैं, लेकिन देखें यहाँ पर तो जो मेन इशू है कि आपको रोटी की मसला है यहाँ पे। हम पे आके हैरान हुए सर, मैं एक्चुअली जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2 साल पहले मैं वापस आया था यहाँ पे ना, कि यहाँ पे आके कुछ काम करता हूँ मैं, तो मैंने तकरीबन ये अबाउट 10 मंथ्स मैंने काम किए यहाँ पे, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। जो करप्शन हर डिपार्टमेंट में करप्शन, मेरे अपने कोई ज़ाती काम थे एक दो प्रॉपर्टीज़ के, आप यकीन करें जायज़ कामों के लिए भी आपको यू नो अंडर द टेबल आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और सर सेकेंडली अभी हमारी जो जंग आपस में लगे हुए हैं, हमने किसी से क्या कंपटीशन करना है? आपने आईटी की बात की और इंग्लैंड में आप यकीन करें मैं इतने लोगों को जानता हूँ एंड दे बिलोंग फ्रॉम इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आईटी दे आर फ्रॉम इंडिया इन इंग्लैंड, और हम लोग तो अपना रोना रो रहे हैं जी। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ फिर आगे चलेंगे। आपने बोला इंग्लैंड में, आपने बताया बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईटी से बिलोंग करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और वो इंडिया से मोस्टली मोस्टली फ्रॉम इंडिया। यहाँ से जो यूथ जाती है वो वहाँ पे जाके क्या करती है ज्यादातर? आपको बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं ना, जो मैं भी वहाँ पे पढ़ने गया हुआ था, ठीक है, स्टडी वीजे पे गया था मैंने, मुझे तकरीबन 15 साल हो गया वहाँ पे। तो जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे। और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री और वो काम करेंगे या अपनी फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। और जो अच्छा जी एक्चुअली इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि हम लोग क्या करते हैं, आप एक सेमेस्टर की फीस लेके जाते हैं, वो जमा कराते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जी, वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देंगे, फिर अगर हम किसी सम हाउ मैनेज करके अपनी फीसेस पे करते हैं कमा कमा के, ठीक है, और हमारे पे तब तक कितने पैसे चढ़ गए होते हैं या पीछे से मंगवा के, कि हम अपनी डिग्री कम्प्लीट करने के बाद वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बात वो कर रहे हैं जो जिनका खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है यूके में इंडियन के साथ। हम अगर बात करते हैं, हमें ये कह दिया जाता है ओ भाई आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी इंडियन से मिले हो, आप कैसे कह सकते हो? हालांकि ऑनलाइन हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली ये बता रहे हैं कि वहां पे वो जाके आईटी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इवन यूके का तो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन हो रही है। बिल्कुल है जी, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं उनके अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे साथ एक इंडियन बंदा बैठा हुआ था यूके में, यूके लंदन में, तो मैं उससे पूछ रहा था आप कहाँ से आए, कहता है मैं इंडिया से आया हूँ, और आई बिलीव वो आया था, ही केम फॉर ओनली 3 वीक्स के लिए आया था। तो मैंने कहा आप किस लिए आए हैं, कहता है मैं वहाँ से किसी फर्म में सिर्फ आईटी के लिए सिर्फ 3 वीक के लिए काम करने हैं फ्रॉम इंडिया, और उसका प्लान था ही विल गो बैक इन 3 वीक्स टाइम। तो जस्ट इमेजिन वहां की आईटी कंपनी ने, यूके इंग्लैंड की आईटी कंपनी ने इंडियन को बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे आके काम कर रहे हैं और वहां पे इंडियन छाए हुए हैं। देखें जो बात अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए, वो स्टडीज में हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। अच्छा, सोच में क्या फर्क है, आप वहाँ पे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके उसे ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाए, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकते। ये अगर बात करेंगे इंडिया के रिलेटेड, इंडियंस के रिलेटेड, मैं भी मैं कहूंगा यार इन्हें क्या पता, ठीक है, सुनी सुनाई, हाँ सुनी सुनाई बात करें। अब ये तो वहां पे एक्सपीरियंस करके हैं, ये जो बता सकते हैं वो ऑथेंटिक होगा। सोच में एक पाकिस्तानी की और एक इंडियन की वहां पे क्या फर्क? सर मैं जिस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था ना, तो मेरे साथ जो मेरे फ्लैटमेट थे वो इंडियन थे। अच्छा। तो हम उनके साथ जनाब बाहर घूमना फिरना, खाना पीना भी हमारा यानी साथ ही था, इकट्ठा ही होता था ना, एक ही किचन में होते थे, वो अपना खाना पका रहे हम अपना पका रहे, लेकिन सम टाइम इकट्ठे भी खाते थे और यकीन करें आउटिंग भी इकट्ठे करते थे। बिल्कुल नहीं फील होता था कि मतलब इंडिया इंडियन, ये इंडियन है, ये मैं पाकिस्तानी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आके क्यों हमें नफरतें बताई जाती हैं कि इंडिया वाले हमसे नफरत, ये बताया जाता है वो हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे करते हैं। वहाँ पे जिससे भी मैं पूछ लूँ, जिससे कोई मुझे कॉल्स आती हैं, कोई यूके से, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई दुबई से, वो यही कहते हैं हम वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। इस चीज़ का जवाब मैं दूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी, ये हमारे जो अंदर एक नफरत पैदा की हुई है ना माजरत के साथ, ये जो हमारे इदारे हैं ना,
जिसमें सॉरी टू से हमारी पाक आर्मी भी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कह लें, मीडिया कह लें, एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट भी है, ठीक है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे जो उनके साथ हालात जो ना नॉर्मलाइज रहे, अगर हमारे इंडिया के हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं फिर वो फारिग हैं। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, हम हमेशा नेगेटिव खबर, वहां पे पता नहीं कोई चीज हो जाए हम वो वीडियो उठा के लगाते हैं कहां से नहीं है यार। देखो पाकिस्तान अवाम और इंडियन अवाम जो ना ये आपस में मर्च होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ रहना, ये एग्जांपल यहाँ देखे ना, ये भाई ने बताया जो आउट ऑफ कंट्री है वो वहाँ पे मर्च होकर जी रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने हुए हैं। देखिए बेसिक जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, मैं एक पाकिस्तानी ये सोचता हूँ यार मेरे हालात अच्छे हों, मेरा पेट अच्छे तरीके से पले, ठीक है, मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोचूं और अल्लाह मेरे साथ जो मेरा नसीब लगा हुआ मुझे पॉजिटिव तरीके से मिले। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही सारा खराब है यार, और डे बाई डे खराब होता जा रहा है। हमने अभी सिस्टम को सही करना है मेरे भाई, हमने मिलके, ये यूथ की जिम्मेदारी है, हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे, लोगों से को अवेयर करेंगे। अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं अक्सर, मैं आपको इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों को अवेयर भी करते हैं, लोगों के अंदर की बात बाहर तक लाते हैं और दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। इसमें मेरे बहुत से लोग बल्कि ज्यादातर लोग इंडिया से देखने वाले हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ, मुझे किसी और इंडियन का नहीं पता, लेकिन जो मेरी व्यूअरशिप है जो देखने वाले हैं यकीन माने वो कमेंट में यही कहते हैं कि हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हों, वो कहते हैं हम चाहते हैं। सर एक लेवल पे ना आवाम से ऊपर आप जाए ना तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ये भाई ने बात की, हम लोगों का माइंड सेट ये कर दिया गया है, बना दिया गया है कि देखें ये मैं नहीं कहता सारे वो अच्छे होंगे, उनमें भी बुरे लोग हैं, ठीक है, वो तो हर जगह होते हैं, ठीक है, करप्शन वहाँ पे भी है करप्शन, पर यहाँ पर तो मैम अखीर हो चुकी है ना, आप देखें सर, अब इंशाल्लाह मैंने भी चले जाना वापस, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है। अब जब मैं आया था शायद तकरीबन 2 महीने हो गया है, ठीक है, तो 2 महीनों में मेरा ख्याल है पाउंड तकरीबन 60-70 रुपए ऊपर चला गया, मतलब मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बुरा ना, आप देखें तो। अच्छा टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं, इनसे बड़ा मजा आया मुझे बात करके कि मतलब इनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया, और पर्सनली जो इनकी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, और मोस्टली लोग जो यूके से या जहां से भी बाहर से आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई वो तो हमारे साथ मिलके रहते हैं। मैं एक वीडियो में एक भाई था मेरे साथ, वो ये कह रहा था मेरे पास वहां दुबई में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इंडियन ने मुझे खाना दिया, इंडियन ने मुझे सपोर्ट किया, और हम यहाँ पे नफरतें करते हैं, वहां पे हम जाके उनके साथ रहते हैं। टॉपिक पे आते हैं, ये बताएं हम कैसे यूथ को एंगेज करें, कैसे स्पेस के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस की बात करें आगे जा सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। बात बताए क्या कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट की कमी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाए, ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसको हम साइड पर रख देते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर से नफरतें खत्म करें सबसे पहली बात यह है, ये जो एजुकेशन बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें। देखें एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही किसी आगे लेवल पे जाएगा, अनएजुकेटेड देखो ना जिस बंदे को पता ही नहीं एजुकेशन क्या है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, बड़ी कर दी जाती है, मेरे हमारे पास जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, अब जज्बे नहीं सर, नहीं 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 देखें जो भी है खाली आप जज्बे से कुछ नहीं कर सकते, अब जो दौर आ गया ना हमने अब फिजिकल फाइट थोड़ी होने की, यहीं पे मतलब सामने से फायरिंग हो रही है, मैं कहूं जज्बा बहुत है। देखें आपको एक देखिए हमारी हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है, ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए लोग एजुकेटेड पीपल हों, ठीक है, जब तक आपके पास आपकी वाम पढ़ी लिखी नहीं होंगे, अगर आपने अभी कंपैरिजन देखा इंडिया में तो मेरा ख्याल है लिटरेसी रेट बहुत बहुत आया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उनका एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है, एक तो लिटरेसी रेट ज्यादा, दूसरे नंबर पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो डेफिनेटली सर। तो अगर जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से कि हम लोग इंडिया तक भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है। अब मैं ये कहता हूँ अभी मैं इसको भाई को बता रहा था, हम इंग्लैंड से कम 100 साल पीछे हैं अभी, आप हिसाब लगा लें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम तो बांग्लादेश से पीछे नजर आ रहे हैं सर, 270 रुपए का टका 300 को पहुंचने का नहीं है टका, लेकिन हमारे से ज्यादा 200 अपनी करेंसी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना उनका, 2.2 बहुत बड़ी बात है यार, हाफ एंड हाफ थे वो हमसे, हाफ एंड हाफ थे, उसके बाद देखें टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया से यहाँ यहाँ से इंडिया, मतलब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और आगे आप क्या देखते हैं, आपके ख्याल में आगे कोई बेहतरी आएगी या नहीं, रिलेशन बेहतर होने में? सर रिलेशन उनसे रिलेशन तो बड़ी दूर की बात है सर, पहले अपने मुल्क के लाल ठीक कर लें आप, यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट में सर, जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा, यानी हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई प्लान्स कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे, अभी तो हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट
एक ही प्लान है कि हुकूमत किसकी आएगी। अभी आगे तो हम कोई अभी सर अभी सिर्फ कुर्सी की जंग है, जब तक वो खत्म नहीं होगी ना तो तब तक आपका कोई भी और सिस्टम, एजुकेशन हो या कोई सिस्टम हो, कहाँ ठीक हो सकता सर। ठीक हो गया, हर तरफ करप्शन है सर। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आप जो यूके में रहे मुझे ये बताएं कि वहाँ पे आप जो इंडियंस के साथ रहे, एक दो के नाम शायद आपको वो सुन रहे हों। एक तो उमेश और एक राकेश साहब थे, और ये दो मेरे साथ थे, और एक थे नितिन जो मेरे साथ फ्लैट में थे, हॉस्टल में रहते थे मेरे। और एक्चुअली जो उनसे उमेश साहब है, उन्होंने मुझे अभी अबाउट कुछ 3 months ago मुझे उन्होंने फेसबुक पे ढूंढा है। अच्छा। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी यूनिवर्सिटी में 15 साल पहले। तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे ढूंढ लिया, मेरे साथ वो रابطے में ही है। प्यार करने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ढूंढ कर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें भी प्यार का मैसेज ही देना चाहिए और यही हमारी कोशिश है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, और सॉरी आपका इतना टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट अली अब्बास हाशमी। आपका नाम? एडवोकेट जहांजेब। एडवोकेट जहांजेब। मेरा नाम एडवोकेट सोहेब चौधरी, अभी स्टूडेंट हूँ वैसे लॉ का। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर अपनी स्पेस एजेंसी की बात करें पाकिस्तान की, और साथ ही नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसने रिसेंटली रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स मौजूद हैं और 1,000 करोड़ उन्होंने इस अपने मिशन से कमाया है। इसका एक पार्ट जो उन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च किया उसमें भी 36 सैटेलाइट थी, रशिया को पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो कितनी तेजी से अपनी स्पेस एजेंसी को आगे लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, और हम लोग अपने जो इश्यूज हैं उसके अंदर फंसे हुए हैं। जी बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा बात करने का यही हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो यूथ है उसको एजुकेट करना चाहिए, उसकी जो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, और सेमिनार्स की वो ग्रूमिंग की जाए जैसे हमारी दूसरी कंपेन्स चलती हैं, और इकॉनमी पॉलिटिक्स में इतना गुम हो गए हैं, और इकॉनमी भी बेसिकली डिस्टेबल है, और हमारा पॉलिटिक्स का ये हाल है कि कोई भी बंदा जो है ना वो उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ, और नंबर पॉलिटिशियंस जो उनसे हैं वो हेल्थ की, वो एजुकेशन की, वो टेक्नोलॉजी की, तो आप बताएं कोई रिसेंटली कोई भी पार्टी जिसने अपना धरना दिया हो कि भाई हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, किसी ने धरना दिया हो कि भाई हमने यूथ को आगे लेके जाना है, यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर रहे, हमारी जो उनसे बड़े बड़े अदारे हैं वो क्यों उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, दुनिया आगे से आगे टेक्नोलॉजी में, स्पेस एजेंसी की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, कितनी आगे जाती जा रही है इंडिया, इतनी तेजी से आगे जा रहा है, उसकी क्या रीज़न हो? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो है ना गवर्नमेंट सिस्टम है उनका बड़ा स्टेबल है, और डेमोक्रेटिक स्टेट है वो भी, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी का ना वो रिप्रेजेंटेशन किसी और किस्म की आती है। वो हमारे नेशनल हीरोज़ का आपको रेफरेंस कोट करें, उन्होंने अपने वो कौमी हीरो हैं जो अब्दुल कलाम आजाद साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया हमारी नेशन ने, जो कौमी हीरोज हैं उनको हमने खुद ही बिल्कुल वो मोराल नहीं दिया, जो उनका गार्ड ऑफ ऑनर है वो नहीं दिया। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट भाई ने यहाँ पे सामने लाया कि भाई वो, और अच्छा वो है भी मुसलमान थे, हमें तो यहाँ पे ये कहा जाता है वहाँ पे मुसलमानों को बड़ा कोई अहमियत नहीं दी जाती, ये नहीं किया जाता, वो तो है भी मुस्लिम हैं और वो उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, और यहाँ पे हम मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक नेशन है, पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी हमने इधर जिसने एटॉमिक बम बनाया या हमें इस तरीके से फार्मूला ला के दिया वो उसे हमने नज़रबंद किया। वो देखिए बात ये है कि वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी की बात है, और हमारा इस्लाम ही ह्यूमैनिटी पे फोकस करता है, तो ह्यूमैनिटी को जब तक प्रेफरेंस ना मिलेगी और इसे वो मोरालिटी के हवाले से, हम इस्लामियात सीखते हैं लेकिन इस्लामियात हमें मोरालिटी सिखाती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम जीरो हो जाते हैं, दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, और नॉन मुस्लिम वो हमारे जो है ज़ाबता हयात है, कोड ऑफ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ इस्लाम, तो उन पर वो प्रैक्टिकली वो ना वो फोकस्ड रहते हैं, और उनकी वो सोसाइटी में उनकी नेशंस हैं, इसलिए वो ना हार्ड वर्किंग के साथ और ऑनेस्टी के साथ वो तरक्की बात करें अमेरिका की, रशिया की, इस तरह से जो कंट्रीज हैं इनकी बात करें, ये माने जाते थे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, आज इंडिया बहुत तेजी से उन्हें टक्कर देता, चाइना को टक्कर देता नजर आ रहा है, वजह क्या है? मतलब मेरा सवाल ये है, इंडिया का इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मकसद ये है कि 1947 में हम एक थे, ठीक है, आज वो कहाँ चले गए, आज वो कहाँ चले गए, और हम किधर हैं, हम क्यों जलील हो रहे हैं, हमने कैसे आगे जाना है? मैं इसलिए बार बार उन्हें फोकस कर रहा हूँ कि कैसे वो आगे गए, हम कैसे जाएंगे। वो बात यही है कि माशाल्लाह आपने वो इसमें कोट किया है कि हम इंडिया हमारा ही हिस्सा है, हम इंडिया के हिस्से, हाँ जी एक ही बात है ना, वी आर द पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, हमारा कल्चर सेम है, और मजहबी रसूमात को ना एक साइड पे रख दें,
हम ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं, तो ह्यूमैनिटी हमें यही सिखाती है। तो कल्चर वो सेम है, हम अपने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, इकोनॉमी स्टेबल करें, साइंस टेक्नोलॉजी खुद ही ग्रो अप होगी। हाँ, ताल्लुका उनसे सीखें, सीखें जब जब जहाँ सिखाने वाली बात है वहाँ सिखाएं। वैसे तो बड़ा मुकाबला बताया जाता है, कंपटीशन बताया जाता है जी, हमने बॉर्डर में कंपटीशन करना है, हमने जो सा डिफेंस सिस्टम में अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है, चाहे हमें अपने आप को मकरूज करना पड़े, हमने टेक्नोलॉजी लेकर ठीक है घास खानी पड़े, बम बनाएंगे, हमने वैसे ये बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वो आईटी में बहुत आगे चले गए, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता उनकी स्पेस एजेंसी आज किधर है, दुनिया की टॉप एजेंसीज में है, और हमारे हम यहाँ पे क्यों नहीं मुकाबला करते। बात ये है, आपने इसका जवाब, पाकिस्तान के पास इंजीनियर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, टैलेंट की वेल इक्विप्ड है, और देखें वो सारे फॉरेन कंट्रीज में मूव कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन सिस्टम क्यों हो रहा है वो, क्योंकि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम और लैक ऑफ इकोनॉमी। एक गरीब का बच्चा वो वेल क्वालिफाइड होने के लिए कितने लाख रुपए खर्च करता है और उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता। देखें वो सिस्टम यही है। हम ना वो कबूतर वाली बात है कि बिल्ली चली गई है, बिल्ली हमारे सर पे मंडला रही है, मसला अभी हमारे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम उस मसले को देख नहीं रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, और एक टाइम आएगा जब हम हमारे से वो मसले को हैंडल कर। पीआईए के बात करें, वो हमारा 1951 में वो पाकिस्तान का ही था पहले, इंडिया तब कहाँ था। बिल्कुल, मिसाइल्स देखें, हमारा डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन आर्मी है, ISI भी यही बात करती है कि पाकिस्तान आर्मी हो तो हम पूरी वर्ल्ड पे टेक ओवर कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी है तो सही। अभी वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है ना, हमारा वार सिस्टम भी है। अब अमेरिका ये कहता, अमेरिका कहता है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है वाकई अमेरिका को हमारी आर्मी की, अगर इसराइल की बात करें, वो आयरन डोम सिस्टम था ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया था, लेकिन वो इराक ने मिसाइल दागे, दाश ने मिसाइल दागे, वो तबाह कर दिया। तो वो हमारे अंदर, वो अल्लाह पाक ने वो चीज रखी हुई है, जज्बा ईमानी। वो ठीक है, हम एट द एंड बात जज्बा ईमानी पे ले आते हैं, नो डाउट वो एक हमारा एक मजहबी चीज है, उसे हमारा लगाव है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें फिर दूसरी दुनिया के लोग ये कहते हैं, इंडिया के लोग हों, बांग्लादेश के लोग हों, वर्ल्ड ये कहता है कि भाई जज्बा ईमानी भी मुसलमानों के पास, दुनिया की टॉप ISI भी मुसलमानों के पास, दुनिया की टॉप आर्मी भी मुसलमानों के पास, टैलेंट भी मुसलमानों पाकिस्तानियों के पास, फिर पाकिस्तानी भी क्यों मांग रहे हैं, उसका क्या जवाब मैं दूं, आप क्या जवाब देंगे? ये इसकी वजह यही है कि ये सब कुछ होने के बावजूद ना ये पीछे क्यों रह गए हैं। एक साइड पे अभी आपने कहा हमारे पास जज्बा है, तो दूसरी साइड पे हम पीछे रह गए। ब्रदर, इट्स करप्शन टू गिव द राइट टू द राइटफुल। जो नीचे वाले तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुचल दिया जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जितने भी यंगस्टर जो गरीब गुरबा के होते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ चेहरे देखे जाते हैं है। बड़े घर का बेटा है उसको बड़ा ओहदा दिया जाता है, प्रमोट ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। जो लो लेवल के होते हैं वो अपनी प्रमोशन के लिए बड़ी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो किसी स्टेज पे जाते भी हैं तो उन्हें उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको डिग्रेड किया जाता है। फिर वो जाहिर सी बात है, आपको अपने अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो बाहर अवेल जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अवेल करेंगे। और वो भी लाखों रुपए हम लगाते हैं हमारी यूथ की अगर बात करें और बाहर जाते हैं, यही यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे हमारे जो अदारे हैं, अगर स्पार्को की बात करें टेक्नोलॉजी स्पेस एजेंसी के हवाले से, इसके अलावा PIA है, स्टील मिल है, बहुत से ऐसे अदारे हैं जो यहाँ पे फ्लॉप हो रहे हैं और हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। फिर दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, हमारे पास जज्बा बहुत ज्यादा है, हम मुसलमान दुनिया के सबसे जो ये चीजें, तो फिर जब लोग देखते हैं वो हंसते हैं कि यार ये एक तरफ फ्लॉप हो रहे हैं, इनकी यूथ बाहर भाग रही है, यार ये कहते हैं जज्बा बहुत है। बस ये जज्बा ही रह गया, नारा रह गया जज्बे का, प्रैक्टिकली जज्बा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने टैलेंट के साथ, खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपने कभी देखा है कि बात भी हो रही है? हमें हमेशा नफरत की मुकाबला बताया जाता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्पेस के हवाले से हमारा मीडिया क्यों नहीं बोलता, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये नारा लगाते जी हमने टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे निकलना, जी हमने एजुकेशन में, ये क्यों नहीं बताते हम? भाई वो आपको दाल रोटी के चक्कर में इतना फंसा चुके हैं कि वो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो फिर वो तरक्की हो जाएगी। आजकल आटे की हर बंदा एजुकेट हो जाएगा, आटा लेने के लिए कितने लोग मर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्या करें?
यही चीज है। तो एग्रीकल्चर हमारी गंदम कितनी पूरी दुनिया में हमारी गंदम जाती है, जाती थी अब नहीं। चलें अभी अभी भी जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो हम तो उम्मीद यही रखते हैं। माह रमजान है तो हम दुआ ही कर सकते हैं ना बेसिकली कि दोबारा जो हमारा जज्बा ईमानी है ना, वो पाकिस्तान का मतलब क्या था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का वो बना था जी मिस्टर जिनाद के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान या मुसलमान पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। आज हम ना तो नाम कर पा रहे हैं, जज्बा वही है, नारा वही है, इंटरप्रिटेशन गलत कर दी उन्होंने। आप कहते हैं आने वाले टाइम में यूथ इन चीजों की तरफ आएगी, यूथ को ये पता चलेगा, अवेयरनेस आएगी कि यार ये इश्यूज क्यों चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, यूथ को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही अवेयरनेस आ रही है। हमारी सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज को चाहिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार्स किए जाएं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हमने इस रास्ते नहीं इस रास्ते जाना है। हमारी जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स पर रह गई है, मीम्स पर रह गई है, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता और कोई कुछ दिखाते नहीं है, बस इसी पे लगे हुए हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और इसी पे हमारा मिशन है कि भाई आप इन चीजों पे बात करो, मुकाबला करो, दुनिया के जिस मर्जी कंट्री के साथ मुकाबला करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रोडक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में मुकाबला करो, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन में मुकाबला करो। नफरतों की तरफ हमें लेकर जाओगे, 75 साल से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नफरत कोई फायदा नहीं, बेसिकली हमारा मजहब ही पीस है, इस्लाम। नो डाउट मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन आज के दौर में जो हमारा मजहब का या इमेज बन चुका है इस्लाम का, वो क्या बना, इस्लामोफोबिया के नाम से तो वो देखें आप, इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली हमें मोरालिटी वापस दिलाने की कोशिश की थी ना, OIC में आई थिंक सो, तो वो चल ऐसे ही यूनाइटेड नेशन का, तो अगर आप ऐसा करेंगे ना प्रैक्टिकली, वो जज्बा तो आ रहा है तो चांस मिलना चाहिए। इमरान खान साहब या कोई भी लीडर है वो यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच करे, उससे ही हमारी मोरालिटी वापस आएगी, या हम प्रैक्टिकली भी कुछ बेहतर करें, पॉजिटिव करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, तो हमारी मोरालिटी वापस आएगी। उसके अलावा स्पीचों से नहीं होता, प्रैक्टिकली चीजें खुद अडॉप्ट करना पड़ती हैं आपको, आपके सोशलाइजेशन सिस्टम को, सारे को, ओवरऑल को। जितनी देर तक आप खुद प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इधर हम करप्शन करें, इधर हम बेईमानी करें, इधर हम दो नंबरी करें, और फिर हम कहें इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके हमें ऊपर कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे वक्ती तो अभी आप रमजान शरीफ की देख लें, आप गल्फ कंट्रीज में देख लें, वो अभी रिलीफ है, तो हमारे मुल्क में देख लें, हमारा है भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मैं ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ कि 43% महंगाई बढ़ी है इस हफ्ते में, रमजान का जो पहला वीक है इसमें 43% पाकिस्तान में महंगाई। तो वो स्पीचेस में वही बात रहेगी, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका, तो हमें अब किरदार के गाजी बनने की जरूरत है। तो ये बता दें, हमें अपने नेबर कंट्री से रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अगर वो टेक्नोलॉजी में, अगर वो स्पेस साइंस में, अगर वो इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ में आगे जा रहे हैं, हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन, यहाँ से स्टूडेंट वहाँ इंडिया भेजें, या वहाँ से टीचर्स यहाँ, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छा ये बेहतर चीज़ है, क्योंकि ये एक मॉडरेट वे में, और वो जो आपके साथ टेबल टॉक के जरिए ही मसाइल का हल हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान का भी इशू सॉल्व हो गया है, तो ये इंडिया के साथ भी हो सकता है। अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम जारी से बात, अगर आप अपने यंगस्टर दूसरे मुल्क को प्रमोट करने के लिए भेज सकते हो, तो अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए उधर से नहीं बुला सकते हो, बुलाना चाहिए आप लोगों को, जारी सी बात करना चाहिए अच्छी तरह, एक पॉजिटिव वी में तो हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाबी देगा। और अच्छा लगा इनसे बात कर, जितने भी मैं यूथ से बात करता हूँ, मैं 90% यूथ यही चाहती है कि हमें नफरतें अब नहीं चाहिए, क्योंकि 75 साल में कुछ नहीं नफरतों से लिया, हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करने हैं, हमें हेल्थ में कंपटीशन करना है, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपटीशन करना है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी, थैंक यू।